हाय एवरीवन, तो फिर से मैं आप लोग के लिए बहुत अच्छा एक रेसिपी लेके आई हूँ जो कि बनाने में बहुत इजी है और घर पे सारे जो सामान होता है उसी से बन जाता है। तो यहाँ पे हमने बिस्किट लिया है, आप कोई सा भी बिस्किट ले लो और किसी भी बिस्किट से ये बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे हमने मैरी गोल्ड बिस्किट लिया है, इसे अच्छे से तोड़ लेना है। तोड़ने आपको अपने हिसाब से जितना बनाना होगा उतना ले सकते हो। तो यहाँ पर मैं इसे तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद इसे इसी मिक्सी में मैंने पीसा था चीनी, तो इसी में हम पीस लेंगे बिस्किट एकदम पाउडर के जैसे बन जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसे पीस लिया है। पीसने के बाद से इसे हम एक छन्नी से अच्छे से छान लेंगे, क्योंकि छानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसे छानना, इसमें जो मोटा पार्ट रहेगा वो निकल जाएगा। उसके बाद से थोड़ा सा मैंने आधा कप के करीब मैंने इसमें चीनी डाला है पीसी हुई, आधा कप मैंने डाला है मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर से जो इसका टेस्ट होता है बहुत अच्छा आता है। और जितना ड्राई इंग्रेडिएंट है उसे छानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सारा मैंने छान लिया है और इसे अच्छे से मिला लेंगे। मिलाने के बाद से इसमें डालेंगे हम कोकोआ पाउडर 2 चम्मच। तो कोकोआ पाउडर ऑप्शनल है, आप डाल सकते हो अगर चॉकलेटी फ्लेवर लाना है तो, नहीं तो नहीं भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मेरे पास था तो मैंने डाल दिया, इसे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा चॉकलेट की जैसा। उसके बाद से इसे हमने थोड़ा थोड़ा दूध से घोल लेना है और जैसे केक बनता है ना उसी टाइप के इसे घोल बनाना है। तो मैंने थोड़ा थोड़ा दूध डाल के घोल लिया। उसके बाद से इसमें डालेंगे 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल, हमने रिफाइंड ऑयल 2 चम्मच डाला है। उसके बाद से इसमें डालना है विनेगर, तो 1 चम्मच हम डाल देंगे विनेगर। विनेगर डालना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर हमने विनेगर डाल दिया है। उसके बाद से इसमें हमने डाला है एसेंस, वनीला एसेंस डाला है, उससे फ्लेवर मतलब अच्छा आता है। तो इसलिए थोड़ा सा दूध डाल के और मैं अच्छे से घोल लिया। उसके बाद से एक बड़ा सा भगेना लिया, उसमें नमक डाला है, उसे मैंने यूज किया है नमक को, एक स्टैंड डाल के फ्री हीट होने के लिए मैंने धीमे आँच पर रख दिया है। यहाँ पर हमने डार्क चॉकलेट लिया था, उसे एक साइड मैंने पानी बॉयल होने के लिए रख दिया है। डबल बॉयल करना है इसे, हमको पिघला लेना है। तो यहाँ देखिए मैं डबल बॉयल कर लेती हूँ और ये अच्छे से चॉकलेट मेल्ट हो जाता है। तो यहाँ पर हम इसे अच्छे से मेल्ट कर लेंगे और उसके बाद से एक लेंगे हम इडली वाला स्टैंड। तो ये मेरा इडली वाला स्टैंड मिनी वाला है, आप बड़ा वाला होगा तो बड़ा वाला लीजिएगा, बहुत अच्छा बनेगा बड़ा वाला से, मेरा मिनी वाला है। यहाँ पे मैंने छोटी वाली चम्मच से डाला है बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा थोड़ा सा कम डालना है और बेकिंग पाउडर भर के डालना है इसे तुरंत डाल के। और आप जो इडली वाला स्टैंड होता है ना उसमें ऑयल लगा के पहले से रख दीजिए उसमें, और इसके बाद से थोड़ा सा चम्मच से इसमें आप डालते जाओ। और बड़ा वाला इडली स्टैंड होगा ना वो सबसे अच्छा रहता है, थोड़ा सा ये मिनी वाला इसमें है। हम एक एक चम्मच जो बैटर बनाया था उससे डालते गए हैं और उसके बाद से जो चॉकलेट मैंने मेल्ट किया है वो भी ऊपर से रखेंगे। ये डोरा केक के जैसे बनेगा, लेकिन क्या हुआ ना जो इडली स्टैंड था मेरा छोटा था और जब मैं बैटर डाल रही थी तो ये मतलब फैल के ज़्यादा हो रहा था, तो इसलिए मैंने थोड़ा थोड़ा इसमें चॉकलेट डाला है। आपके पास बड़ा वाला होगा तो बड़ा वाला लीजिएगा, बड़ा वाला में अच्छा बनता है। तो यहाँ पे देखिए मैंने सारा जो है ना इडली स्टैंड में भर लेंगे और चॉकलेट ऊपर से डालते जाएंगे। और आप स्किप भी कर सकते हो, बिना चॉकलेट के भी बना सकते हो, बहुत अच्छा लगता है खाने में, बहुत टेस्टी लगता है। बच्चों के खुश करना हो या बच्चों के जब भी मनपसंद कुछ खाने का मन हो ऐसा कुछ, तो आप इसे फटाफट बना सकते हो। ये ज़्यादा टाइम भी नहीं लेता है, मतलब इतने देर में इडली बनता है ना 20 से 25 मिनट में ये बन के रेडी हो जाता है। तो यहाँ पे हमने स्टैंड में रख दिया, उसके बाद से ये 15 से 20 मिनट लगा, बहुत अच्छे से बन गया है। एक मैंने सीख डाल के देखा तो ये बहुत अच्छा मतलब बन चुका था। यहाँ पे जो वेटर बचा था ना तो एक मैंने कटोरे में मतलब ऑयल लगा के और 3 कटोरे में मैंने रख दिया, ये भी केक बहुत अच्छा बना था। सारे को मैं निकाल के रख लेती हूँ एक बाउल में और ये ना बच्चों सबके खाने में बहुत अच्छा लग रहा था, सच में बहुत बढ़िया बना था। तो ऐसी रेसिपी अगर आप लोग के चाहिए तो कमेंट कर सकते हो और मेरे चैनल को भी नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ऐसी रेसिपी देखने के लिए। और आप इसे बना के इसी मेथड से ट्राई भी कर सकते हो, बहुत अच्छा लगता है, बच्चे खा के खुश हो जाते हैं। तो मैं कुछ इस तरीके से सारे निकाल के रख लिया है और बहुत सॉफ्ट बना था, स्पॉन्जी बना था और बनाने में बिल्कुल टाइम नहीं लगा था। यहाँ पे देखिए ये भी बहुत अच्छा बना था, आप लोग के टच करने से मुझे पता चल रहा है कि हाँ ये कितना बढ़िया बना है। तो अगर ऐसी रेसिपी देखना है तो आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बाय बाय।